और आज हम लोग एक फिर नए टॉपिक पे, आज हम इंग्लिश के बारे में बात करेंगे, इंग्लिश ग्रामर में। इंग्लिश ग्रामर में हम आज उड के बारे में बात करेंगे। उड ही बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बोलने के लिए बहुत ही यूज़फुल है इंग्लिश स्पीकिंग में। इससे पहले मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल UPS लालपुर राजपुर को आप सब्सक्राइब करिए। देखिए, उस पर दिन में 2-3 तो मैं रोज़ डाल देता हूँ वीडियो, फेसबुक पर केवल एक रहता है। तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए उड के बारे में बात करते हैं। चलिए एक बार और बता देता हूँ कि कोरोना वायरस के 10 केस और मिले हैं, तो हमारे बाराबंकी ज़िले में 130 केसेस हो गए हैं। तो प्लीज़ बी केयरफुल, स्टे होम, बी सेफ। उड की बात कर लेते हैं। उड की पहचान है, देखिए वाक्य के हिंदी वाक्य के अंत में आता है ता होगा, ती होगी, ते होंगे, और तब उड का प्रयोग किया जाता है। ये भी सिंपल चीज़ है कि इसमें भी कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी का नाम हो, सिंगलर हो, प्लूरल, आई, वी, सी, इट, दे के साथ उड ही लगना है, ठीक है। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। एज कि हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते रहते हैं, सब्जेक्ट होगा, उड होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, उड, नॉट और ऑब्जेक्ट, ये हो गया निगेटिव, ये हो गया अफर्मेटिव, उड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये हो गया इंट्रोगेटिव, उड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड, उड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उड, क्वेश्चन वर्ड, उड, सब्जेक्ट, नॉट, क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन मार्क हो गया, ये ऑब्जेक्ट, देखिए ये है अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया डबल इंट्रोगेटिव, ये डबल इंट्रोगेटिव, निगेटिव, सकारात्मक है, ये नकारात्मक है, प्रश्नवाचक है, ठीक है, प्रश्नवाचक नकारात्मक है, और इसको हम अपने हिसाब से ढाल देते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है क्या, तो एक वाक्य मैंने ले लिया है। देखिए हमें अभी काम करना है सिर्फ इस पे, ये चीज़ आप जब हर चीज़ सीख लोगे ग्रामर में मोस्टली चीज़ें आ जाएंगी। अभी मैं बता दूंगा, इसको हम थोड़ा डिटेल से कर रहे हैं, जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, मैं उतनी डिटेल में नहीं किया था, बट इसको मैं थोड़ा डिटेल में गया हूँ। मैं एक बात और बता देता हूँ, इसका वीडियो मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ, मैंने एक बार शूट किया था, पता नहीं क्या वो डिलीट हो गया, वो 15 मिनट का था। तो हम इस पे काम करेंगे, इसका जो यूज़फुल होगा, जो हम प्रैक्टिकल यूज़ स्पीकिंग में यूज़ करते हैं, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट है बात, मैं पसंद करती होगी, लड़की है, लड़की के लिए शी लगता है, शी वुड लाइक यू, बात मैं पसंद करती होगी, ठीक है। शी वुड नॉट लाइक यू, बात तुम्हें पसंद नहीं करती होगी। वुड शी लाइक यू, क्या बात मैं पसंद करती होगी। Would she not like you? क्या वह तुम्हें पसंद नहीं करती होगी। Why would she like you? वह तुम्हें क्यों पसंद करती होगी। Why would she not like you? वह तुम्हें पसंद क्यों नहीं करती होगी, ठीक है। ये हो गए, आप और भी बना सकते हैं, जैसे वह खेलता होगा, he would play, ठीक है, हम खेलते होंगे, we would play, ठीक है, हम चाय पीते होंगे, वी वुड टेक टी, ओके, हम मूवी देखते होंगे तो वी वुड वॉच मूवी, ठीक है। इस तरह के आप वाक्य बना सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ता होगा, ती होगे, ते होंगे, इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो जाइए, क्योंकि फ्यूचर इंडिफिनिट है। फ्यूचर इंडिफिनिट में क्या होता है, जैसे वह क्या होता है, जैसे वह जाएगा, ठीक है, वह नहाएगा, हाँ, वह पढ़ेगा। तो इस वाले वाक्य में देखिए क्या होगा, ही विल गो, तो अंतर समझ लीजिए, ता होगा, ती होगे, ते होगे, ये है। यहाँ पे देखिए का सिस्टम अलग है, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसके मामले में हमको, तो इसी मैंने सोचा ये भी बता देता हूँ, जबकि मैंने इसे पढ़ाया नहीं है। मैं जब ये बताऊँगा फ्यूचर इंडिफिनिट, तो अगर मुझे याद रहा तो मैं इसका भी डिफरेंस बता दूंगा। तो मैंने कुछ और भी चीज़ें लिख रखी हैं, मैंने थोड़ा डिटेलिंग कर ली इसके बारे में, और भी यूज होता है, क्योंकि हम अभी उस डिटेल में गए नहीं हैं, क्योंकि अभी ग्रामर में हम शुरू ही कर भी नहीं किए हैं ठीक से, अभी तो हम लोग जीरो पे ही हैं, ठीक है। तो पास ऑफ विल, देखिए जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम पढ़ेंगे तब, ये इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बना गया है, ही सेड दैट ही वुड गो टू होम, ठीक है,
उसने कहा कि वह घर जाएगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा नहीं है तो इसका हम यूज नहीं करेंगे। पास्ट हैबिट के बारे में, पुरानी आदत, ही वुड गो टू स्कूल, वह स्कूल जाता होगा। इसके बारे में एक, ये पुरानी आदत के लिए सबसे बढ़िया यूज टू वाला होता है, इसका भी यूज हो रहा है लेकिन यूज टू वाला जब मैं अभी बताऊंगा कुछ दिन में बाद, यूज टू करके होता वो बेटर होता है, यूज ये भी हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको भी नहीं कहूँगा आप ज़्यादा यूज करिए स्पीकिंग में। पास्ट पॉसिबिलिटीज, भूतकाल में हो गया जो चीज हो गई, हो ही गया, ठीक है, चुका, अभी देखते हैं क्लियर होगा। ये भी हमें ये नहीं यूज करना, ये नहीं यूज करना, ये देखिए जब ये आप खुद ही यूज करेंगे जब आप आगे की ग्रामर पढ़ेंगे। थैंक गॉड वी रीच ऑन द टाइम, अदरवाइज द बस वुड हैव लेफ्ट। ये तो और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस जब पढ़ाया जाएगा उसके बारे में बात हुई है इसमें। थैंक, भगवान का शुक्र है कि हम ट्रेन पहुंच गए समय पर, अन्यथा बस चली गई होती, चली गई होती है, छूट गई होती। ठीक है, वुड हैव, बहुत आपके लेवल तो बहुत ऊंचे हो गए। ठीक है, अब हमारे पास जो हम यूज करने वाली चीजों के बात कर लेते हैं, जब रिक्वेस्ट की बात आएगी, वुड यू हेल्प मी, पता नहीं। ठीक है, जब आप मदद मांगने की बात करेंगे तब इसका कर सकते हैं। वुड यू हेल्प मी, वुड यू गिव मी पेन, वुड यू, देखिए यहाँ पे है, वुड यू लैंड मी 500 रुपीज, पैसे उधार मांगने की बात आएगी तो आप यूज कर सकते हैं। वुड यू डांस विथ मी, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी, प्रपोजल है टाइप का। वुड यू प्लीज वेट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए 2 मिनट वेट करोगे। प्रेफरेंस की बात हो रही, आई वुड रदर डाई देन मैरी हर, मैं मरना पसंद करूंगा शादी करने की अपेक्षा। ठीक है, कुछ लोगों का तो ये होता है आई वुड रदर डाई देन स्टडी, मतलब मरना पसंद करूंगा पढ़ने की तुलना में। जैसे अभी कहना नहीं चाहिए, अगर मैं लेबर लोग जो होते हैं बचपन में पढ़ाई से इतना मोटिवेशन नहीं मिलता बच्चों को, अगर वो पढ़ें तो देखिए फिजिकल, हमारे देश में या कहीं भी हो, फिजिकल वर्क की तुलना में मेंटल वर्क का पैसा ज़्यादा मिलता है। मनी, जैसे कंप्यूटर बैठा बैठा आदमी बहुत पैसे कमा लेता, भाई दिन भर मजदूरी करता है व्यक्ति, कितना फिजिकल वर्क होता है, वो पैसे कम मिलते हैं। ये बात समझ नहीं में नहीं आती लोगों को कि पढ़ाई नहीं करते हैं इसलिए दिक्कत होती है। चलिए वो बात की बात है, प्रेफरेंस हो गया, चॉइस की बात है। वुड यू टेक टी और कॉफ़ी, मतलब क्या चाय प्रोड्यूसन करोगे या कॉफ़ी, क्या तुम चाय लोगे या कॉफ़ी लोगे, ये कह सकते हो। ठीक है, आई वुड टेक टी, मैं चाय पसंद करूँगा। ठीक है, वॉट वुड यू चॉइस, तुम क्या पसंद करोगे। ओके, विश आई वुड ईट मैंगो, मैं आशा करता हूँ कि मैं आम खाऊँ, ये भी कह सकते हो। आई विश आई वुड बिकम अ डॉक्टर, कि मैं आशा करता हूँ कि। एक्सप्रेसिंग विश यूजिंग वुड लाइक, आई वुड लाइक टू बाई अ कार, मैं कार खरीदना पसंद करूँगा। वुड यू लाइक टू गो देयर, क्या तुम मुझे जाना पसंद करोगे। आई वुड लाइक टू गो अमेरिका, आई वुड लाइक टू गो लंदन, आई वुड लाइक टू स्टडी इंग्लिश, आई वुड लाइक, ये बहुत बड़े हैं। आई वुड लाइक टू टेक अ टी, मैं चाय पीना पसंद करूँगा। ठीक है, ये भी बहुत, देखिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, ये यूज़ कर सकते हो, ये यूज़ कर सकते हो, ये यूज़ कर सकते हो, बस ये तीन को छोड़ के आप यूज़ कर सकते हो। ये तो बहुत है, मैं ये हेल्प वाला पैसे मांगने के लिए यूज़ हो सकता है। ठीक है, ये भी यूज़ कर सकते हो, आई वुड लाइक अ टेक अ टी, आई वुड बाई अ कार, ये कर सकते हो, आई वुड ड्रिंक वाटर। ओके, ये चीज़ें आप जो प्रैक्टिकल यूज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो इस